हाँ भाई, चलिए आज हम लोग सीखते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, जो कि क्लास 9 और क्लास 11 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स का एक टॉपिक है वर्क एनर्जी थ्योरम। सबसे पहले देखते हैं कि कहता क्या है ये। वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी पे जितना भी ज्यादा हम वर्क करेंगे, उतने ही ज्यादा उसमें क्या होगा, चेंज होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी में। कहने का मतलब ये हुआ कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट और बॉडी। ठीक है, तो जितना काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा वो बराबर होगा वर्क के, कि कितना वर्क आप उस ऑब्जेक्ट पे कर रहे हैं। इसी चीज को हम प्रूव करते हैं। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है कि W जो है वो बराबर होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब हो गया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। इसी चीज बात को हम क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। अपने को मालूम है कि वर्क यार होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और यह भी हमें मालूम है कि फोर्स तो होता था मास इंटू एक्सेलरेशन। तो हम इस F की जगह पे लिख दें M इंटू ए, तो W बन जाएगा M इंटू ए इंटू ऑलरेडी क्या है यहां पर डिस्प्लेसमेंट। इसको बना लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अच्छा, इक्वेशन ऑफ मोशन से हम लोगों ने सीख रखा है कि v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर जो है वो बराबर होता है 2as के, और यहां से अगर हम s के फॉर्म में इस इक्वेशन को बनाए तो आ जाएगा हमारे पास ये 2a इधर आ जाएगा, तो s इज इक्वल टू हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a। इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। अब इस इक्वेशन को हम सेकेंड वाले को फर्स्ट में पुट कर दें, कहने का मतलब इस एस की जो वैल्यू आई है इसको यहां पे पुट कर दें, तो हम अपने पास क्या आ जाएगा यहां पे पुट करने के बाद, W इज इक्वल टू एम इंटू ए इंटू, और एस की जगह पे क्या लिखेंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन टू ए। अच्छा, ए से खत्म, तो बचेगा क्या, एम वी स्क्वायर यू स्क्वायर अपॉन टू, इसको ब्रैकेट में कर लें। अच्छा, अब देखते हैं, तो अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इस एम को वी के साथ भी करेंगे, इसको यू के, एम को यू के साथ भी करेंगे, तो क्या बन जाएगा ये एम वी स्क्वायर माइनस एम यू स्क्वायर बाई टू। नीचे डिनोमिनेटर में टू है, इसका मतलब लिखेंगे एम वी स्क्वायर बाई टू माइनस एम यू स्क्वायर बाई टू। अब अगर ध्यान से देखो तो ये लिखा है वन बाई टू एम वी स्क्वायर, वन बाई टू एम यू स्क्वायर, वन बाई टू एम वी स्क्वायर, वी फाइनल वेलोसिटी, तो ये काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी फाइनल, तो हम इसको क्या मानेंगे, काइनेटिक एनर्जी फाइनल। U इनिशियल वेलोसिटी, तो ये काइनेटिक एनर्जी कौन सी होगी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, और ये क्या है हमारा वर्क डन W, और W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक इनिशियल, मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहां से ये बात प्रूफ हो गया कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे आप जितना वर्क करेंगे उसकी काइनेटिक एनर्जी भी उतनी ही चेंज होगी। क्लियर है, छापिए।